आज हम जानेंगे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आईएसटी ओलंपियाड ऑनलाइन स्कॉलरशिप ओलंपियाड की एग्जाम डेट ओपन हो चुकी है विंटर 2024 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, यह एग्जाम क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके पास क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, सैंपल पेपर इसके देखेंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आप सैंपल पेपर यहाँ पर कहाँ से देख सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है और यह एग्जाम किस प्रकार का होता है, ये सभी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम क्या है। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप ओलंपियाड के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल लेवल टैलेंट सर्च और स्कॉलरशिप ओलंपियाड एग्जामिनेशन फॉर इंडियन स्कूल, ये इंडियन स्कूल के लिए है और एग्जाम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, क्लास फर्स्ट से 10 तक के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईएसटीएसटी ऑनलाइन स्कॉलरशिप ओलंपियाड विंटर 2024 ओपन द डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स, इसमें दो प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है आपका ऑनलाइन ओपन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यानी बच्चा डायरेक्ट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है थ्रू स्कूल, जो पेपर बेस्ड एग्जाम होता है और ये स्कूल से लिया जाता है। ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है जहाँ पर बच्चे स्कूल में बैठकर इस एग्जाम को देते हैं। ओलंपियाड एग्जाम डेट देख लेते हैं। आईएसटी ऑनलाइन स्कॉलरशिप ओलंपियाड विंटर 2000 डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्लास फर्स्ट से थर्ड के लिए 24 नवंबर, क्लास फोर्थ टू सिक्स 23 नवंबर एंड क्लास 7 टू 8 17 नवंबर 2024। और जबकि जो बच्चे स्कूल से दे रहे हैं पेपर बेस्ड स्कॉलरशिप ओलंपियाड एग्जाम, इसकी एग्जाम डेट 4 फरवरी रहेगी और रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट जो है 15 अक्टूबर 2024 रहेंगे। ये क्या है, स्कूल के द्वारा जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्लिक है टू इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट के लिए रजिस्टर होते हैं तो उसके साथ आपको यहाँ पर दो चीज़ और देखना होता है कि सिस्टम कैपेबिलिटी टेस्ट, यानी जिस सिस्टम से आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं वह कैपेबल है कि नहीं, उसे चेक करना होता है। और दूसरा डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाता है कि किस तरह आप एग्जाम में फॉलो करेंगे, इसको हम देखने से पहले चलिए नीचे जान लेते हैं। आईएसटी स्कॉलरशिप ओलंपियाड क्या है, लुकिंग फॉर एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ट एकेडमिक स्किल्स, यह एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम है जो क्लास फर्स्ट से 10th तक के लिए होता है। फॉर इंडियन स्टूडेंट ग्रेड फर्स्ट टू 10th इज असेस्ड योर ओवरऑल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। यह सिंगल पेपर एग्जाम होता है। टॉप स्कोर कैन क्वालिटी फॉर स्कॉलरशिप, स्किल असेसमेंट, एकेडमिक चैलेंज एंड रिकॉग्नाइजेशन। साथ ही यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है। ये सिंगल पेपर एग्जाम रहता है, कवर ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, ये सभी मिलाकर एक सिंगल पेपर रहते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। टेस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। ऑनलाइन पेपर बेस्ड एग्जाम होती है। चूज द फॉर्मेट एंड सूट योर एबिलिटी, डिपेंड ऑन पार्टिसिपेंट मेथड। इंटरव्यू टॉप 10 जो स्कोर करते हैं उसके जो है वीडियो इंटरव्यू होते हैं 30 मिनट्स के, जो 100 पॉइंट्स जिनको मिलता है। एंड हाउ पार्टिसिपेट स्कॉलरशिप ओलंपियाड, इंडिविजुअल आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इंडिविजुअली ऑनलाइन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्कूल के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसके आगे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि स्कॉलरशिप विंटर हग सक्सेज स्टूडेंट ने यहाँ पे किया, थैंक यू फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट ट्रस्ट एंड सपोर्ट। करीब 5,733 स्कूल इससे जुड़े हुए हैं, सिटीज 1,644 सिटीज इससे जुड़े हुए हैं, स्टेट 34, यूटी एंड 22 कंट्री एंड 9.97 सेटिस्फेक्शन रेट इस ओलंपियाड का है। साथ ही हम जानेंगे कि हाउ टू इट वर्क फॉर डायरेक्ट एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट। इंडिविजुअल स्टूडेंट अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे, इट इज द ऑनलाइन स्कॉलरशिप ओलंपियाड एग्जाम ओपन फॉर क्लास फर्स्ट टू 10th, पार्टिसिपेट्स इन द आईएसटी टेस्ट फॉर द कम्फर्ट ऑफ होम। घर पर बैठकर आप आराम से इसको एग्जाम दे सकते हैं।
इसके लिए आपके पास लैपटॉप, वेबकॉम, टैबलेट या स्मार्टफोन होना जरूरी है। साथ ही उसमें वेबकैम लगा होना चाहिए और इंटरनेट की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, 512 kbps। इसकी प्रोसेस क्या होगी, देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। प्रिपेयर टू एग्जाम बेस्ड डिस्क्राइब सिलेबस, एक सिलेबस दिया जाएगा, उसके आधार पे आप तैयारी करेंगे। ईच स्टूडेंट विल बी प्रोवाइड 3 मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट टू प्रोवाइड मॉक टेस्ट एंड एक्सेस योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट नॉट बी अवेलेबल ऑन और आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के समय, एग्जाम के बाद ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आपको उसके साथ ही 3 मॉक टेस्ट दिया जाता है आपके एग्जाम के लिए। फाइनल टेस्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ कम्फर्ट योर होम, होम पर बैठ कर यू शुड बी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के द्वारा, जिसमें कि वेबकॉम हो एंड लाइव इंटरनेट कनेक्शन हो, वहाँ पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड 30 मिनट्स वीडियो इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्ट फॉर टॉप 10 मार्क्स होल्डर डिसाइडेड टू टॉप 10 रैंक का, आपका 30 मिनट्स का वीडियो इंटरव्यू रहेगा। हाउ टू वर्क थ्रू स्कूल पेपर बेस एग्जाम, अब ये हमने ऑनलाइन एग्जाम का दे दिया, अब स्कूल बेस का देखेंगे। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे स्कूल के द्वारा फॉर्म भराए जाते हैं बच्चों को, फिर प्रिपेयर करने के लिए एक सिलेबस मिल जाता है। फाइनल टेस्ट होता है, जो एग्जाम डेट आपका 4 फरवरी 2025 को होगा और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर स्कूल वालों के लिए 15 अक्टूबर 2024 रहेंगे। एंड 30 मिनट्स वीडियो इंटरव्यू यहाँ पर भी टॉप 10 बच्चों के रहेंगे। इसकी बेनिफिट्स क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अर्ली एक्सपोज टू लर्निंग एंड कॉम्पिटिशन, रिकॉग्नाइज अवार्ड क्या क्या मिलते हैं ये भी देखेंगे। देखिए अवार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए अलग हो जाता है, अवार्ड फॉर पेपर बेस्ड ऑनलाइन थ्रू स्कूल एग्जाम के लिए अलग हो जाता है। यहाँ पर इस तरह एग्जाम दिया, रिकॉग्नाइज मेडल दिए गए हैं, ये आपका डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए हो जाता है। 95% से अबव जो बच्चे आते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया गया है, 90% से अबव जो आते हैं उनको सिल्वर मेडल, एंड 80% से अबव जो आते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परफॉर्मेंस करने के लिए। एंड 60-79% विल पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट, उन सभी बच्चों को पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट मिलता है। एंड बिलो 60% विल डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी इनको डिजिटल मिलता है, और 80% जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट डायरेक्ट आपको मिलता है। स्कॉलरशिप क्या मिलता है, टॉप 3 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हर क्लास के लिए मिलता है। रैंक 1 के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 1500 पर मंथ 12 मंथ के लिए दिया जाता है, एंड टॉपर शील्ड दी जाती है। इंटरनेशनल रैंक 2 के लिए 1000 पर मंथ 12 मंथ के लिए रहता है, फर्स्ट रनर ऑफ शील्ड रहती है। एंड रैंक 3 के लिए स्कॉलरशिप 550 पर मंथ एंड 12 मंथ दी जाती है, एंड सेकेंड रनर ऑफ शील्ड दिया जाता है। 30 मिनट वीडियो इंटरव्यू पर 100 मार्क्स विल बी कंडक्ट फॉर टॉप 10 मार्क्स होल्डर एंड डिसाइडेड टू टॉप 10 मार्क्स। इस प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट आपको दिया गया है, और ये आपका हो जाता है रजिस्टर ऑनलाइन एग्जाम एंड कैपेबिलिटी चेक। जैसे ही आप रजिस्टर ऑनलाइन के लिए यहां पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके प्रोसेस क्या है। देखिए रजिस्टर ऑनलाइन के लिए, इसके लिए आपको यहां पर लास्ट डेट जो है लिमिटेड सीट अवेलेबल रहती है, यानी एग्जाम डेट के पहले पहले आपको करना होता है, और इंटरनेट की कैपेसिटी 512 kbps होना चाहिए, और आपके लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट होना चाहिए। सिस्टम कैपेबिलिटी चेक आपको करना है, यहाँ पर न्यू यूजर है तो ऑनलाइन रजिस्टर के लिए यहाँ पर आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक सिंपल फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे दिया गया लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड सीट अवेलेबल। ऑनलाइन के लिए कोई लास्ट डेट नहीं दिया गया है, बस लिमिटेड सीट अवेलेबल बताया जा रहा है, जबकि स्कूल के थ्रू अगर आप देते हैं तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट बताई गई है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखना है, ईमेल, पेरेंट्स नेम, होम एड्रेस, यूजर नेम, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम, इंडिया, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एक पासवर्ड आपको अपना बनाना है, और फिर नेक्स्ट इसी पासवर्ड को रिपीट करना है। फिर क्लास आपको सेलेक्ट करना है, और एग्जामिनेशन फीस 399 रुपीज़ लग रही है, और यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है सबमिट हो जाता है। अब इसके साथ ही सिस्टम कैपेबिलिटी चेक के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका सिस्टम सही है तो यहाँ पर इन सभी पे टिक आ जाएगा, और यहाँ से कैमरा आपका ऑन हो जाता है।
अगर सभी चीज सही रहती है तो लास्ट में आपको मैसेज आता है लुक्स ग्रेट द आईएसटी टेस्ट विल रन जस्ट फाइन ऑफ दिस सिस्टम यू कैन क्लोज द ब्राउजर नाउ। यानी यहाँ से आपका ये चेक हो चुका है सिस्टम पे और आप यहाँ से इस सिस्टम के द्वारा जो है एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही आपको यह भी मैं बताऊंगी, ये आपका रजिस्टर हो गया, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस में आपका जैसा कि मैंने बता दिया सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेगा जिनमें ये सभी पेपर्स आपके ऐड रहेंगे। यहाँ पर एग्जाम वाइज सिलेबस आपका हाईलाइट हो जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर फर्स्ट एग्जाम डिटेल्स क्लास फर्स्ट के लिए हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स रहेंगे, नो निगेटिव मार्क्स रहेगी। एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम ड्यूरेशन 30 मिनट्स रहेगा और इंडिविजुअल एग्जाम जो है 24 नवंबर को रहेगा एंड ऑफलाइन यानी स्कूल के द्वारा जो बच्चे बैठ रहे हैं वो 4 फरवरी को देंगे। यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी में सिलेबस हो जाता है, लोकल रीजनिंग में ग्रुपिंग, प्रोग्राम बेस्ड फिगर, जनरल मैट्रिकल सेप, जियोमेट्रिकल सेप, पैटर्न, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट, जनरल क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के लिए देखिए ये सारे सिलेबस हो जाते हैं, क्लास फर्स्ट का सिलेबस आपको मैं दिखा रही हूँ। फिर साइंस, फिर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए ये सिलेबस हो गए ग्रामर के एंड स्कॉलर सेक्शन से आपका जो है हायर थिंकिंग क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड साइंस से रहता है। तो इस प्रकार ये हर क्लास के सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें एग्जाम का आपको तैयारी करना है। साथ ही आपके इसके प्रीवियस सैंपल पेपर देखना चाहते हैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास फर्स्ट का आपको यहाँ से क्लिक करके बताती हूँ, ये आपका क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर निकल के आ जाता है। सैंपल पेपर है आपका, इस तरह का पेपर रहता है, 35 क्वेश्चन रहते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आईएसटी ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर के डाल दूंगी जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं ओएमआर सीट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है कि बच्चों को एग्जाम में ओएमआर सीट, यहाँ नाम वगैरह भरने के बाद इस तरह के ओएमआर सीट दिए जाते हैं, रजिस्टर फॉर स्कूल आईएसटी प्रिपरेशन बेस्ड, यहाँ पर ओएमआर सीट उनको फिलअप करना रहता है। ये फिलअप करने के बाद आपको जो है ओएमआर सीट फिलअप करना है, रजिस्टर फॉर्म है और ये हो गया आपका ओएमआर सीट। ओएमआर सीट के लिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस तरह आपको फिलअप करना रहता है। ओएमआर सीट में बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है कि किस तरह हम वन का जो भी आंसर होता है, जैसे सपोज वन का थर्ड आंसर है तो थर्ड पर ही हमें गोला करना है, ये ओएमआर सीट में ही गोला करने की हैबिट होनी चाहिए। चलिए इसके साथ ही आगे मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम के बारे में हम जान चुके हैं कि क्या है, साथ ही और इसके रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर हो गया, सिलेबस हो गया, स्कूल रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाता है, डाउनलोड में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम के लिए चेक योर इंडिविजुअल और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका खुल जाएगा, सिस्टम कैपेबिलिटी टेस्ट मैंने बता दिया। अब साथ ही ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लीज ग्रो थ्रू फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ आईएसटीएसई ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या है, सिस्टम इक्विपमेंट क्या आपको चाहिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन, साथ ही उसमें गूगल क्रोम अपियर होना चाहिए, वर्किंग वेब कैमरा विथ लाइव वीडियो होना चाहिए, स्पीड इंटरनेट की 512 kbps होनी चाहिए, साथ ही लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउजर उसमें होना चाहिए या फिर सफारी फॉर एप्पल डिवाइस में जो रहता है वो होना चाहिए। उसके आधार पर भी नोट यहाँ पर दिया गया है, टेस्ट विल नॉट रन प्रॉपर्ली ऑन विंडो 7 एंड विंडो 8, प्लीज इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम ऑन विंडो एंड एंड्रॉइड मोबाइल्स। गूगल क्रोम, लेटेस्ट गूगल क्रोम को हमें अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे अपडेट कर देना है। 512 kbps मिनिमम स्पीड इंटरनेट होनी चाहिए। टेकिंग एग्जाम साइबर कैफे से भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है।
लेकिन 3 दिन तक आपको एडवांस में उसमें चेक करना है कि क्या फिर आपका एलिजिबल है कि नहीं, और 3 दिन तक आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कमिटेड टूवर्ड द फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आवर टेस्ट इंजन इक्विपमेंट विद द एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एंटी चीटिंग फीचर्स, यानी इसका सॉफ्टवेयर इस तरह बनाया गया है कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने समय भी किसी प्रकार की चीटिंग नहीं कर सकते, वो तुरंत आपको चेकआउट कर लेता है। चेक योर सिस्टम कैपेबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम को चेक करवा सकते हैं, और साथ में लुक ग्रेड्स आपको आ जाएगा जैसा कि मैंने अभी आपको बता रखा है, और साथ ही आप ये सारे ऑप्शंस जो हम देख चुके हैं, अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर पर जाकर गूगल क्रोम ऐप को ऑन कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर यहाँ से आप मोबाइल से ही आप एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही गूगल क्रोम से ही दे सकते हैं। वेब कैमरा आपका होना जरूरी है, इस तरह इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है सेटिंग किस प्रकार करना है। अगर आपके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, जो आप वीडियो को पॉज करके या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेकअप कर सकते हैं। अब स्टार्ट, जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम स्टार्ट इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुल जाएगा, और फिर यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन आ जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, स्टेप 3 ऑथराइजेशन, स्नैपचैट, बच्चे जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसका स्नैपचैट यहाँ पर सामने दिख जाता है, फिर स्टेप 2 में इस तरह का रहता है, साथ ही इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं किस चीज़ को परमिटेड ड्यूरिंग एग्जाम, यहाँ पर क्या क्या चीज़ एग्जाम के समय आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर पेन पेंसिल इरेजर पेपर स्केल एंड वेस्ट वाटर बोतल एंड परमिटेड, ये इस चीज़ की आपको परमिशन है, और ओनली 2 A4 साइज पेपर भी आप साथ में रख सकते हैं, साथ ही आपकी ID प्रूफ होनी चाहिए, और जो भी आप रखे वो कैमरे में आपका साफ दिखना चाहिए, और क्या नहीं रख सकते हैं। प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग एग्जाम, किस चीज़ का बैंड है जो आप एग्जाम में नहीं रख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की बात हो रही है। डू नॉट कीप एनी बुक नोटबुक कैलकुलेटर एनी अदर डिवाइस लाइक मोबाइल टैबलेट पैड एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ आप अपने सिटिंग एरिया के पास में नहीं रख सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू अलाउ टू लीव एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के समय और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी हेडफोन या ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, साथ ही आपको F5 की रिफ्रेश की जो स्क्रीन की होती है इसको आपको फ्रेश नहीं करना, नहीं तो आप एग्जाम से टर्मिनेट हो जाएंगे। साथ ही प्रोहिबिटेड आपको प्लीज मेक श्योर योर फेस इज विजिबल एट ऑल टाइम विद द इनफ लाइट ऑन योर फेस, देखिए यहाँ पर बता के रखा है कि आपके फेस पे किस तरह की लाइट आनी चाहिए, देखिए ये टिक मार्क किया हुआ है तो ये सही पोजिशन है, ये सब पोजिशन सही नहीं है, तो इस तरह का प्रॉपर आपके फेस पे लाइट होना चाहिए, इस तरह आपको नहीं सो होना चाहिए। साथ ही आपको जो है एनीवन कोई भी दूसरा पर्सन आपको एग्जामिनेशन देखे पीछे से दिख रहे हैं कुछ लोग, इस तरह कुछ भी आपको एग्जामिनेशन के समय नहीं होना चाहिए, आपके अलावा कोई भी अदर पर्सन एग्जामिनेशन में नहीं दिखना चाहिए। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिनिश टेस्ट पर एक ऑप्शन आता है, इफ योर टाइम इज ओवर यू हैव क्लिक द फिनिश टेस्ट बटन यू विल सी द बिलो स्क्रीन, यहाँ पे जैसे ही आपका एग्जाम की टाइम फिनिश हो जाती है तो आपको फिनिश पर क्लिक करना है, और फिर फिनिश टेस्ट पर क्लिक करना है, फिर देन नेक्स्ट यस करना है, उसी प्रकार यस फिनिश टेस्ट कर देंगे और इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाएगा, थैंक यू आ जाएगा लिखा हुआ। 60 मिनट का ये वीडियो इंटरव्यू आपको जैसा कि मैंने बता दिया है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन 8 वीक, 8 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, और वी विल कम्युनिकेशन योर रिजल्ट थ्रू SMS एंड ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा आपको मैसेज आ जाता है, साथ ही आप ISTSE के वेबसाइट पर भी जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, थैंक यू। इस तरह आपको ISTSE विंटर ओलंपियाड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई भी क्यूरी अगर रह गई है तो प्लीज आप मैसेज में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।